हमारे बीच है जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और यूथ आइकन कहे जाते हैं, बहुत कुछ इनके नाम है, बहुत तारीफ की नासिर हुसैन ने। लेकिन अब देखिए, सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं सर। बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसको शायद आप भूल जाएंगे। मेरे ख्याल से जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से लेकर आज तक हमारे तो कोई परिवार में परीक्षाओं से घबराया नहीं, और एक ही चीज़ सीखी है, हरियाणा के हित के लिए कैसी भी अग्नि परीक्षा देनी पड़े उसके लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और बिल्कुल 75 दिन बाद जो विधानसभा के चुनाव हैं, पूरी तौर पर सक्षम भी हैं, तैयार भी हैं, प्रदेश के अंदर बदलाव भी लाएंगे, प्रदेश में कमेरे का आवाम का राज भी लाने का काम। लेकिन क्या हुआ लोकसभा चुनाव में, ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है, तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि जहाँ सर लोकसभा चुनाव में आप कह रहे थे कि 10 लोकसभा सीटें हम जीतने का दम रखते हैं, लेकिन आपकी हिसार लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी जहाँ प्रदर्शन आपका किस तरह करा जानते हैं, कहा कि हम 10 की 10 जीतेंगे। आप इतिहास उठा लो, कोई भी किसी चैनल की रिकॉर्डिंग उठा लो, तो आपने आप बहुत से लोग इतना कॉन्फिडेंस नहीं था आपको। दादा देखिए, हमारी संगठन को बने केवल मात्र 6 महीने हुए थे, उन परिस्थितियों के अंदर आप जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नाम था, दूसरा राहुल गांधी का नाम था, उन परिस्थितियों के अंदर लोकसभा चुनाव में किसी भी एक नई रीजनल पार्टी का उभरना, आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में सरकार है, क्या हालत रही दिल्ली की, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार लोकसभा से तो 4-5 महीने पहले बनी थी और सुपड़ा साफ हो गया, वो परिस्थिति अलग थी। विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा मनोहरलाल खट्टर जी के नाम पे, कैप्टन अभिमन्यु के नाम पे, रामविलास शर्मा जी के नाम पे, सुभाष बराला के नाम, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, आप लाइए नरेंद्र फिर से कहा गया। मैं तो आज कहता हूँ विदाउट इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी 5 साल में कितनी बार आए हरियाणा के लिए, क्या दिया इस बजट में, क्या दिया हरियाणा के लिए, नाम भी नहीं आया प्रदेश का। लेकिन चुनाव से पहले प्रचार करने तो आएंगे ना, प्रचार के लिए सबका स्वागत है, तो राहुल गांधी भी आएंगे कांग्रेस के, क्या वो कांग्रेस की नैया पार लगा देंगे। परिस्थिति प्रदेश के इलेक्शन की बनेगी, प्रदेश के इलेक्शन के लिए जब एजेंडे उठाए जाएंगे, पिछली बार जब बीजेपी 47 लेकर आई थी तो 8 मुख्यमंत्री के चेहरे थे, अब 7 को ये कहना पड़ेगा कि मनोहर लाल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, और 7 नहीं कहेंगे ये बात, वो ये उनमें से कोई ये दम भरता है। मैं तो आपके चैनल से पूछता हूँ, आप तो सुबह से सारे नेताओं को बिठा रहे, कोई एक आदमी ये दम भरता हो कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता हूँ मनोहर लाल जी के सामने। रामविलास जी से पूछा हमने, क्या कहा, संगठन की बात की उन्होंने, संगठन की बात, हम किसी पद की लालसा नहीं रखते हैं, अगर अगर उनमें से किसी 7 मुख्यमंत्री के चेहरों में से किसी ने एक ने मनोहर जी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो वो दम रखेगा, और अगर उसने ये कह दिया टीवी पे कि हमारे चेहरे तो मनोहर लाल, तो क्या जेजेपी में कोई कह सकता है कार्यकर्ता मैं मुख्यमंत्री का दावेदार, क्या मैंने आज तक कहा मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, मैं संगठन का चेहरा जरूर बन सकता हूँ। नहीं, आपका कोई नेता कहेगा, आपको लगता है खुलकर कहेगा इस मंच पर आकर कहेगा, अरे बीजेपी अपने आप को इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी मानती, मैं तो हैरान हूँ वीरेंद्र सिंह जी का बयान आ रखा था, जो विधायक सिटिंग छोड़कर उनकी पार्टी में कहते हैं तो नकली है। रावेंद्र जीत के स्टेज पे परसों क्या हुआ, ये झलकियां हैं बीजेपी के टूटने की, कि एक विधायक ने मुख्यमंत्री की बड़ाई करी और किस तरीके से हूटिंग हुई, उसको मंच से उतार दिया गया, ये डिसिप्लिन है बीजेपी का। लेकिन दूसरी पार्टियां टूट रही हैं सर, देखिए पार्टियां इलेक्शन से पहले ही हरकत मूवमेंट चलती रहती है, आज भी तो शायद पूर्व मंत्री विधायक कई बीजेपी में चले गए, अभी तो आचार संहिता लगने दो, जिस दिन ये विधायक जितने 47 बैठे हैं इनकी टिकटें कटने का डर होगा, ये भी भागेंगे दूसरी पार्टियों की। लेकिन ये भी कहना होगा कि जींद से आपकी अच्छी शुरुआत थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, दूसरे नंबर पर आ पाए, दिग्विजय चौटाला को अच्छे वोट मिले लेकिन फिर भी हार गए, उसके बाद धीरे धीरे फिर लोकसभा चुनाव की हमने बात की अभी, तो क्या आपको लगता है कि जींद उपचुनाव वाला मोमेंटम आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि के तौर पर? जहां पिछले 2.5-3 महीनों में लोकसभा रिजल्ट से लेकर आज तक जो हमारे संगठन की मूवमेंट रही है, चाहे सरकार के विरोध में समस्याओं पर प्रदर्शन, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रदर्शन किया, चाहे हमारे चुनरी चौपाल के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे जन चौपाल के कार्यक्रम हो, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति तक जो हमने जनसंपर्क बढ़ाया है, रोजगार मेरा अधिकार हो, पेंशन और कर्ज माफी योजना हो, एक एक व्यक्ति तक जहां हमारा कार्यकर्ता जाकर उनकी समस्याओं को लाकर हमें दे रहा है,
मैं ये मानता हूँ इतने एग्रेसिवली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कदम नहीं उठा, और इसी तरह चलता रहा तो आप देखना ये जो 75 पार की बात कर रहे हैं, ये 4 से 47 आए थे, हरियाणा की जनता इनको वापस 4 पे लाने का काम करे। संगठन पूरी तरह बन चुका है? बिल्कुल, पूरी तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी 1 साल से पहले नहीं बनी, मगर मैं ये मानता हूँ जितनी अच्छी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने अपने आप को स्टैंड किया है, और जितनी अच्छी तरीके से कलेक्टिव सोच के लोग हर समाज के सेक्टर से, शिक्षा से हो, चिकित्सा से हो, व्यवसाय से हो, उनको साथ लाने का काम किया है, बिल्कुल एक मजबूत टीम हमने खड़ी करी है। कई साथी जो विचार रखते थे, कोई नेता थे, नेताओं से संगठन नहीं चलते, संगठन तो कार्यकर्ता से और मेहनत से चलते हैं, वो हमें छोड़कर गए, उतने लोग नए आए। और मैं ये मानता हूँ ये आना जाना चुनाव के आसपास बहुत ज़्यादा चलता है। तो विश्वास कैसे करते हैं आप, जो या तो नेता आते हैं आपकी पार्टी में या ऑलरेडी आपके कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल जी को हरियाणा प्रदेश की पॉलिटिकल ट्रेनिंग अकेडमी कहा जाता था। 1966 में जब हरियाणा प्रदेश का निर्माण हुआ और 77 में वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 10 साल में मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, उस दौरान पता नहीं कितने नेता चौधरी देवीलाल जी ने बनाए, और भजनलाल जी तो सारी सरकार लेके भाग गए थे। जब विधायक जो बन जाता है, आपके साथ बन जाता है, आप उसका विश्वास, वो आपके विश्वास तोड़ जाएगा तो आप किस पे भरोसा करोगे, नहीं करोगे। मगर ये एक सोच है जो जुड़ती है एक लड़ाई के लिए, एक मूवमेंट के लिए, और वो चलती है, और आज उसका नतीजा है कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की सोच के लोग सारे एक होकर जननायक जनता पार्टी के प्रति, डॉक्टर महासिंह जी जो चौधरी देवीलाल के इलेक्शन एजेंट रहे हुए, मंत्री रहे हुए, आज वो खुद हमारे साथ इतने मजबूती से आए हैं। मैं ये मानता हूँ हमें एक ताकत मिलेगी ऐसे मजबूत आदमी के हमारे साथ जुड़ने से। एक थी नेलो, आप कहते हैं जब अभय चौटाला से आपको लेकर प्रश्न किया जाता है तो कहते हैं कौन दुष्यंत, वो इस तरह के सवाल कहता हूँ, तो आज भी कहता हूँ विधानसभा चुनाव में कितने दिन बाकी है, 4 रह गए, आगे आगे देखो क्या होता है। इन नेलो के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते आप? अब इतिहास है, भविष्य की सोच रखने वाला व्यक्ति भविष्य की, यानी इनेलो एक इतिहास, भविष्य कोई नहीं। तो आप मानते हैं कि बीजेपी के सामने विकल्प सिर्फ आप ही हैं, कांग्रेस नहीं है? आज के दिन कांग्रेस के हालात क्या है, कल विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है, देख लेना नेता के लेना जूत बजे इनके। गुटबाजी कह रहे हैं आप, उनकी सबसे बड़ी कमी है। नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से प्रस्ताव डलने शुरू हो जाएंगे कि हम इसको लीडर नहीं मानेंगे, ये हमारा लीडर नहीं होगा, ये तो शुरुआत है। अभी तो विधानसभा तक पता नहीं कितना टिकट बंटवारे होंगे या और कार्यक्रम होंगे, उसके ऊपर इनकी क्या हालात रहेगी। जिस पार्टी के अंदर ये दम नहीं है कि वे लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक वो अपने अध्यक्ष पद की नियुक्ति के ऊपर निर्णय कर ले, वो हरियाणा प्रदेश को कैसे चलाने का दावा कर सकती है। नहीं, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कांग्रेस को? मैं क्यों दूंगा, मेरी ओपोनेंट पार्टी है, हमने तो उनके सामने लड़ाई लड़ी। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि विपक्ष अगर इकट्ठा हो एक तरह से, बेशक आप गठबंधन ना करें, बीजेपी को चुनौती तो नहीं दे सकते। मैं उस सोच का आदमी नहीं हूं जहां महा शब्द आता। अच्छा, परिवर्तन का जरूर विचार रखते हैं और परिवर्तन के लिए जरूर कोई सहयोगी साथ आ सकते हैं, मगर जो ये कांग्रेसी एक नया प्रचार शुरू कर रहे हैं हमें कहीं ना कहीं फील्ड के अंदर कमजोर करने के लिए, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो महागठबंधन ही होगा, गठबंधन होगा, ये समय बताए, पिछली बार भी हुआ था, तो कब समय आएगा वो, बिल्कुल चुनाव से पहले? वो तो जिस दिन दो विचारधाराएं एक होकर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे उस दिन जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के दिन में हमारा लक्ष्य 90 की 90 सीटों पर मजबूती से लड़ना है, 90 की 90 सीटों पर आगे बढ़ना है, और एक एक साथी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन किस तरह से होगा जेजेपी में? मैं कमल को छूट दे दूंगा कि बढ़िया तरीके के शिक्षित युवा जो एक सोच रखते हों ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ऐसी सोच के व्यक्तियों को हमारे सामने ला के दे। मैं तो आपके चैनल को खुली छूट देता हूँ, आप मैदान में घुसिए, जाइए, लोगों को छांटिए, जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े। आज हरियाणा के आपका इसका शो, मेरे को नाम बड़ा अच्छा लगा, हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत, मगर मैं हैरान हूँ कि जब प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हरियाणा की प्रोग्रेस के बारे में अब तक चर्चा ही नहीं करी, जबकि बैठे हैं हरियाणा की प्रोग्रेस क्या है। आज के मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हटा जी, जो लोग कहते थे कि हरियाणा में तो मनोहर सरकार है, वहाँ एक चीज आज समझ आई कि मनोहर घोटाले की सरकार। आज आप बताइए लैंड क्या प्रोग्रेस हुई है, सारी माइनिंग से बेच खाए, ओवरलोडिंग घोटाला, सारी माइनिंग मिनरल्स को हमारे को ओवरलोड कर करके
रेवेन्यू लॉस स्टेट को आए, आपके किलोमीटर स्कीम घोटाला जिसके मास्टरमाइंड खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको छोड़कर गाज गिरी दो छोटे लोगों पर, आपके फर्जी टिकट घोटाला, जीएसटी घोटाला, इस प्रदेश में छोड़ा किसको? एससी एसटी की स्कॉलरशिप को नहीं इनने छोड़ा, ये इनकी प्रोग्रेस है। 5 साल की जो कमियां हैं अगर हम सब मिलकर प्रदेश को दिखाने लग जाए तो इनकी पोल खुल जाएगी कि प्रदेश किस तरफ चल। कि लोकसभा चुनाव में आपने कोशिश नहीं की जनता को इस तरह समझाने की कि तो घोटालों की सरकार है कथित तौर पर, जैसा आप कह रहे हैं? अभी अभी आपको बताया था, लोकसभा में मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पे एक वोट नहीं डला। अगर मनोहर लाल खट्टर जी उम्मीदवारों के साथ खड़े होकर कहते कि मेरे को वोट दो, वो सारे कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी को वोट, और उसका नतीजा था कि राहुल गांधी जी फेल हुए, नरेंद्र मोदी जी की तरफ लोगों की भावनाएं जुड़ी। दवा घोटाले की आपने बहुत बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अनिल विज जी ने जवाब भी दिया था, लेकिन कहा गया कि सबूत आप लाते नहीं है। सबूत बिल्कुल, वो यही तर्क देते हैं हमेशा। कमल आप लोगों को फिर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। सबूत मिले रेवाड़ी के अंदर इन्वेस्टिगेशन, बीजेपी के प्रवक्ता भी यही जवाब देते हैं। आपको बता रहा हूँ, रेवाड़ी के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, रेवाड़ी की टीम ने लिखित में हेल्थ सेक्रेटरी को भेजा कि इस मामले में FIR होनी चाहिए, विजिलेंस की जांच हुई हिसार के अंदर, जहां पकड़ पाया गया कि ये जो कंपनियां थी जिनके साथ ट्रेडिंग हुई ये फर्जी है, और वहां पाया गया, वहां से लिखित आया गवर्नमेंट को कि हमें FIR करने की परमिशन दो। रेवाड़ी में FIR भी हो चुकी है, मैं तो आज भी उस दावे पे खड़ा हूं, मैंने तो केस भी कर रखा है, मगर सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनने निरंतर प्रदेश को लूटा है उनको शह देती है, पना देती है। इसका कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स थे, जो फैक्ट्रियाँ चलाते थे, रोजगार देते थे, वो प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं, रोजगार दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कोई बीजेपी वाला ये आंकड़े क्यों नहीं देता, हमने 70,132 नौकरी दी या 55,129 नौकरी दी, फिगर्स क्यों नहीं लाते? पारदर्शिता से नौकरी दी है, जितनी हमने दी है उतनी तो इतिहास में किसी ने नहीं दी है। कमल आप बताइए, नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख में मार्केट में बिक रहा है, रेड होती है, बेचने वाला पकड़ा जाता है, खरीदने वाला पकड़ा जाता है, FIR होती है, पेपर होता है, लीक हुए बाद भी पेपर होता है, रिजल्ट आउट कर दिया जाता है, ज्वाइनिंग करा दी जाती है, पारदर्शिता है। आप खुद देखिए, असिस्टेंट लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग सब्जेक्टों के पेपर लीक हुए, उसके बाद भी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, पेपर कैंसिल कर दी। लगभग 750 से 750 ऐसी एडवर्टाइजमेंट है इस मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के दौरान, जहां भर्तियां निकाली गई, बच्चों के फॉर्म भराए गए, कईयों में तो एंट्रेंस और इंटरव्यू तक ले लिया गया, और फिर कैंसिल कर दी जाती। नौकरी दी कहां है जो पारदर्शिता की बात करें? एक ग्रुप डी की जरूर बात करते भी, हमने ग्रुप डी में 17,000 नौकरी दे दी, मगर ग्रुप डी की 17,000 नौकरियों में हालात आपको पता है? एक एमटेक करावा बच्चा कंट्री टाउन प्लानिंग में पीएन भर्ती हो गया, जिसका जो टॉप मोस्ट बॉस है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा हमने उनको छूट दिया, एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एनओसी की छूट पहले तो प्रतिबंध लगा देते हो, वो तो जब पता चलता है कि कोई ज्वाइनिंग ही नहीं कर रहा तब आप उनको छूट देते, और छूट का फायदा क्या है? 17,000 की ज्वाइनिंग कराई, 6,000 छोड़ गए। आप मुझे ये बताओ, अगर मेरे माँ बाप मेरे पे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया एजुकेशन पे खर्चते हैं हायर पे, और मैं MSc कर लेता हूँ, क्या मेरे को नाई की नौकरी के लिए मैं फिट हूँ? वो तो 8वीं पास भी कर लेगा। या तो आप यही कह रहे हो भी पकौड़े बेच लो इस प्रदेश में आके, या फिर पढ़ लिख कर हमारे पास यही नौकरी है, माली बन जाओ, धोबी बन जाओ, नाई बन जाओ। आज वो तो 8वीं पास बच्चे की नौकरी है, आप 8वीं पास का इंटरव्यू लीजिए। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि अब खर्ची पर्ची नहीं चलती, सोच भी नहीं सकता कोई कि मैं पैसे देकर नौकरी मांगूं। खर्ची पर्ची मैं कह रहा हूँ, नायब तहसीलदार का दावे के साथ कह रहा हूँ, 2.5 लाख में पेपर लीक हुआ, खरीदा गया, बेचने वाला पकड़ा गया, फिर खर्ची पर्ची चर्ची कहाँ गई? मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते हमने खर्ची पर्ची वालों को जेल में डाल दिया, हमारे लोगों को जेल में डाल दिया? इंटरव्यू सिस्टम खत्म हो गया, किस पोस्ट पे हुए इंटरव्यू सिस्टम? सिर्फ ग्रुप डी के खत्म जी, उसमें तो पहले भी नहीं होते थे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्तियां होती थी, इनने सेंट्रलाइज कर दी, बस उसकी वाहवाही लूट रहे। पैकेज वही है, अगर आप मैकडी का बर्गर उठाएंगे, बर्गर वही है, लिफाफे में लेके आओगे या प्लास्टिक बैग में लेके आओगे, ये फैसला आपका है, बस पैकिंग अच्छी कर देते हैं, बीजेपी की आदत। अपने दावों को बेचना तो आता है सर उनको, आप मानते हैं? आप मान रहे हो ना कि वो बेचते अच्छा है? नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं, आप ही बोले नहीं, मैं आपसे सवाल अच्छी करते हैं, आपसे मैं तो कह रहा हूँ मार्केटिंग अच्छी करते हैं।
भाई रेडी का बर्गर उठा लो, मैकडी का बर्गर उठा लो, 20 रुपए का वो है, 20 रुपए का वो है, सिर्फ मैकडी इसलिए बिकता है कि वो हाइजीन है और है ये है वो है, रेडी वाला कौन खाता है? सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। मगर जब मार्केट में टीवी पे बड़े होर्डिंग्स पे ऐड देखते हो तो क्या दिखता है? मैकडी अच्छा है। लेकिन रोजगार की जब बात करते हैं आप कहते हैं आंकड़े पेश नहीं करते, लेकिन आप मंत्रियों को सुने, मुख्यमंत्री को सुने, बीजेपी प्रवक्ता को सुने, वो कहते हैं कि हमने 60,000 से ज्यादा रोजगार हम दे दिए हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर तो आए, सरकार उनकी है, सारे महकमे को चिट्ठी लिखो, शाम तक तो रिजल्ट आ जाएगा भी 5 साल में कितनी नौकरी दी। कोई आंकड़ा तो पेश करे सरकार, कोई इनका प्रवक्ता कहता है 60,000 है, कोई कहता है 50 है, कोई कहता है 70 है, ये तो झूठ इतनी बोल रहे, लाख नहीं पार कर रहे, वही बहुत बड़ी मेहरबानी है। आंकड़े नहीं है, एक 17,000 का आंकड़ा है, एक 5,500 पुलिस कर्मियों का आंकड़ा है, उसके सिवाय इनके ना प्रवक्ताओं के पास, ना इनके मंत्रियों के पास, ना मुख्यमंत्री के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि स्पेसिफिकली कितने लोगों ने ज्वाइनिंग करी, कितनी टोटल भर्तियां थी, कितने आज तक रिजाइन कर गए। अधिकतम पोस्ट आज वेकेंट पड़ी है इस प्रदेश की सरकार, ये प्रोग्रेस है हरियाणा की? आज हरियाणा प्रोग्रेसिव है, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्राइम की क्या हालात है? आपका चैनल हर रोज रिपोर्ट करता है, यहाँ मर्डर हो गया, कल अंबाड़ा में एक आदमी मार दिया गया, उससे पहले करनाल में एक डॉक्टर मार दिया गया, फरीदाबाद के अंदर एक पत्रकार के बेटे को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, कांग्रेस के प्रवक्ता को गोली मार दी गई, कैथल के अंदर एक हफ्ते में 2 मर्डर हुए। आज ये हरियाणा है जिस हरियाणा के अंदर साल में 300 मर्डर तो बहुत दूर की बात है, 100 मर्डर भी नहीं होते थे, आज हर रोज एक मर्डर, 3 डकैती और 4 रेप की घटनाएं होती है। अब इसमें भी देखिए तर्क दिया जाता है कि एनसीआरबी के आंकड़ों की आप बात करते हैं कि बताते हैं कि क्राइम रेट कितना ज्यादा हरियाणा में है, तो लोग जागरूक हुए हैं, थानों तक पहुंचे हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, ये तर्क भी दिया जाता है। कमल, मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटे मामले थानों में रिपोर्ट होने लग गए, मर्डर तो छोटा मामला नहीं है, डकैती तो कभी ये नहीं हुआ होगा कि अनरिपोर्टेड गया। बैकग्राउंड की भी बात करते हैं कि आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जिनके साथ ऐसा हुआ तो उनका बैकग्राउंड क्या था, इस तरह के तर्क। अरे तो बीजेपी के लोग क्रिमिनल्स को स्टेज पे चढ़ाते हैं, वो दूध के दूल्हे हो गए। ये तो आप लोगों ने, सारे पत्रकारों ने रिपोर्ट किया कि भाई स्टेट बॉडी की बीजेपी की बैठक में जहाँ मुख्यमंत्री प्रेजेंट है, एक हिस्ट्री शीटर बैठा है जिसको खुद ADGP लॉ एंड ऑर्डर हिस्ट्री शीटर लिख के ट्वीट करते हैं, वो तो दूध का दूल्हा हो गया क्योंकि वो बीजेपी का मेंबर है। कांग्रेस का प्रवक्ता भी तो इस प्रदेश का नागरिक है, उसकी सिक्योरिटी भी तो आपकी जिम्मेवारी है। क्या कोई क्रिमिनल है उसकी सिक्योरिटी आप नहीं करोगे, उसको मरने दोगे सड़क पे? क्या मुख्यमंत्री ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश का नागरिक जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, प्रूव नहीं हुआ, क्रिमिनल वो होता है जिसके ऊपर प्रूव हो जाए, आरोप लगाया गया है अगर उसका मर्डर हो जाता है वो क्रिमिनल है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ी, इसका मतलब तो मैं आपके हाथ थप्पड़ मार दूं, आप थाने में जाओ, रिपोर्ट करा दो मेरे पे असॉल्ट है, मुकदमा दर्ज हो जाए तो मैं पूरी जिंदगी क्रिमिनल रहूंगा। आज मुकदमे तो ऐसे भी घर की हाथापाई के भी दर्ज होते हैं। तो बड़ा मुद्दा क्या कानून व्यवस्था है आज हरियाणा में? आज चिरमिराई भी है, हमने बिहार से ज्यादा रिपोर्टेड क्राइम हरियाणा में पिछले 2 साल में रिपोर्ट होते देखे, और इसका जिम्मेवार और कोई नहीं है, मुख्यमंत्री है क्योंकि वो प्रदेश के होम मिनिस्टर। प्रदेश में 4 बार आगजनी हुई, 1 बार 32 लोग मरे, 1 बार 40 लोग मरे, उस दौरान फेलियर रहा किसी का तो पुलिस प्रशासन का नहीं रहा, पुलिस प्रशासन को ऑर्डर देने वाले होम मिनिस्टर कर रहा जो कि मुख्यमंत्री। खुले तौर पर कहते हैं विपक्ष की साजिश थी, ये भी कहा जाता है। तो करिए, विपक्ष किसको बोलते हैं? कांग्रेस के नेताओं के नाम लिए जाते हैं। तो अच्छी बात है, आप पकड़िए। इनेलो के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम लिए जाते हैं। किसके? इनेलो के कार्यकर्ताओं के भी नाम लिए। इनेलो से पूछिए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, जब आप किसी को क्रिमिनल कहते हैं आप प्रूव करिए ना, मुख्यमंत्री क्रिमिनल कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंचों पे बड़े बड़े क्रिमिनल बैठते हैं जिनके ऊपर आज 12-12, 13-13 मुकदमे दर्ज हैं, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं क्योंकि वो बीजेपी के मंच पे, बीजेपी का विधायक उत्तर प्रदेश का सरेआम रेप करता है, जेल से मर्डर कराता है, 2 नहीं 3 लोग मर जाते हैं, उसके बाद उसको पार्टी निकालती है, उससे पहले वो दूध का धुला था, CBI इंक्वायरी होती है, बीजेपी का विधायक बंदूक छलकाता है, दारू पीता है, वो दूध का धुला, पार्टी से निकल जाएगा, वो क्रिमिनल है। आप मुझे ये तो बताइए भी आप इस लेबल को कहाँ से लेकर आते हैं? सिर्फ बीजेपी में होने का मतलब है कि आप क्लीन हैं, और किसी पॉलिटिकल में पार्टी में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी छवि के ऊपर एक दाग लग जाता है, तो कल से तो आप मेरे को भी क्रिमिनल कहने लग जाएंगे।
56% युवाओं की बात करता हूँ, हरियाणा में लगभग 56% के करीब युवा हैं, और आपने एक बड़ी बात की है कि 75% रोजगार आप देंगे अगर सत्ता में आते हैं। महाराष्ट्र की याद आती है बहुत पहले की, 1970-80 की बात होगी, वहाँ भी इस तरह का स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री भी बना था एक शख्स, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है फिलहाल, लेकिन मैंने पढ़ा ज़रूर है। तो आपको क्या लगता है कि आंध्र प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ, वहाँ पर सरकार बनी, वायदा किया गया था 75% के लगभग ही शायद रोजगार वहाँ पर लागू कर दिया गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आपको लगता है कि इस वायदे के तहत आपको सत्ता मिल सकती है, मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं? ये मेरा युवा मेरी उम्र के साथी है, उनको वादा है, और मैं बने, हमारी गवर्नमेंट बने ना बने, तो भविष्य की गर्भ में क्या परिस्थिति बनी, लड़ाई लड़ूंगा, बनेगी तो पहली कलम से पारित करूंगा, नहीं बनेगी तो भी लड़कर इस सरकार को झुकाकर इस प्रदेश में ये कानून लेकर आऊंगा। ये एक प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र में ये शुरुआत हुई थी, उसके बाद उत्तराखंड जब नया प्रदेश बना वहाँ लागू हुआ, हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, आंध्रा में, तेलंगाना में लागू था। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी जगन जी माने मुख्यमंत्री, उनने 75% का लागू किया है। किसी ने नहीं रिपोर्ट किया कि हमारी इस मूवमेंट के दौरान गुजरात में 80% का भी कानून लागू हो गया कि 80% गुजरातियों का रोजगार होगा हर रोजगार के अंदर। आप सोचिए कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई यूनिट सेटअप होता है, फॉर एग्जाम्पल मारुति का जब प्लांट आया था तो 90% उस प्लांट के अंदर एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के बच्चों को थी, स्किलिंग वगैरह सब होती थी उस दौरान में, मगर आकर हरियाणा के बच्चे नौकरी करते थे। आज उस मारुति के प्लांट के अंदर, क्योंकि जो बॉसेस हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो सारे दूसरे प्रदेशों के हैं, तो एक ग्लास सीलिंग कर दी गई कि भाई यहाँ हरियाणा के नहीं लेने, दूसरे ले लो। 17-20% ही हरियाणा के लोग रह गए, 80% दूसरे प्रदेशों के। जब आपकी जमीन सब्सिडाइज रेट पर आपकी कंपनीज लेती हैं, सब्सिडाइज रेट पे आपसे बिजली और पानी की व्यवस्था लेती है, तो रोजगार देने में उस प्रदेश के युवाओं को क्या उस कंपनी की जिम्मेवारी नहीं बनती? मैं कल यमुनानगर था, प्लाईवुड की फैक्ट्री, हैरानी की बात है कि प्लाईवुड की फैक्ट्रियों के अंदर जो यमुनानगर की है, आसपास के गांव जो शिक्षित बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश से बच्चे आके जो नौकरी करके जाते हैं, क्यों? सस्ती लेबर मिलती है, उनको कभी भी आप बाहर निकाल सकते हो। यही सेम चीज गुड़गांव के अंदर है, 17 लाख के आसपास शायद गुड़गांव जिले में नौकरी। ऐसा भी हो सकता है सक्षम हो वो ज्यादा, और यमुनानगर में जहां गांव में हो शायद उनको वो काम ना आता हो, सक्षम हो तो 25% उसके लिए है, स्किल डेवलपमेंट करें उनमें, 25% उसके लिए है, तो सर सक्षम है, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, मगर आप एट पार हो तो सिर्फ ये होने का इसका मतलब कि आप हरियाणवी हो, आपको इग्नोर कर दिया जाए, ये भी सक्षम नहीं। तो आप कैसे सहन करोगे जी, अगर हरियाणा की धरती पर आपने सब कुछ सब्सिडाइज पर लिमिट्स में लिया है, आज के दिन आप उन व्यवस्थाओं को सब्सिडी में ले रहे हो, तो आपका अधिकार बनता है कि हरियाणा की तरफ अपने आप को फोकस करो। आज के दिन तो ऐसी हालत है हरियाणा में, अधिकतम चीज मैं ये सुन रहा था कि ये गैस पाइपलाइंस बिछरी है करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर। आपको पता है गैस पाइपलाइंस के टेंडर किसको दिए हुए? गुजरात की कंपनियों। ये हाईवेज बने, इनका तो मैं भुक्तभोगी हूँ, हाईवेज के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था पटेल सद्भाव, ये हरियाणा की कोई नहीं थी, इससे अच्छा तो गावड़ को मिलने चाहिए था, हरियाणा का तो है। हमें भी तो हमारे प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं बिजनेस में उठाना पड़ेगा, जब ही जाके इस प्रदेश में टैक्स आएगा। लेकिन मैं अहम सवाल करूँगा सर, रोजगार तभी मिलेगा जब रोजगार होगा, अगर आप सत्ता में आते हैं रोजगार पैदा किस तरह करेंगे हरियाणा? कमल 17 लाख नौकरियां हैं, 17 लाख का 75% 14 लाख है, 4 लाख भी आज गुड़गांव के हरियाणा में है, तो 10 लाख नए कहाँ के भर्ती होंगे? 10 लाख को एम्प्लॉयमेंट तो आप पहले लॉ के दिन से देना शुरू कर दोगे, और ये तो गुड़गांव की बात है, फरीदाबाद रहा, पानीपत रहा, रोहतक रहा, अम्बाड़ा रहा, कितने हमारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप हैं। और मैं ये नहीं बात कर रहा कि ऊपर सीईओ और सीएफओ आप भर्ती करो, जो बेसिक जॉब है, जो कोई ITI करा हुआ बच्चा प्राप्त करता है, कोई डिप्लोमा करा हुआ बच्चा प्राप्त करता है, एटलीस्ट उस जॉब पे तो अपने प्रदेश के बच्चों को प्राथमिकता दो। लेकिन क्या बीजेपी, ये हालत तो नहीं होगी? बीजेपी सरकार को मालूम होगा ना ये सब चीज, वो क्यों नहीं कर रही है सर? बीजेपी की तो नीयत नहीं है, इनको गुजरातियों को फायदा पहुंचाना है, और आज भी पहुंचा रही है। बताओ आप, ये जो ट्रांसपोर्ट किलोमीटर स्कीम का घोटाला हुआ, अधिकतम कंपनी जिसमें गुजरात की थी, वो तो बेचारे फंस गए, इनकी चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो ये हरियाणा रोडवेज में हजारों कर्मचारी जो हरियाणा के हैं ये भी बेरोजगार हो जाते,
और यहाँ भी गुजरात की कंपनीज आके ओवरटेक कर लेती, बाहर के ड्राइवर लाके भर्ती करती, फिर क्या करते प्रदेश के अंदर? अब गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं। आपके बिजली महकमा है, बिजली महकमे के जो सबसे प्रॉफिटेबल सब डिविजन्स थे वो तो आपने बाहर की कंपनियों को दे दिए, शायद रिलायंस को दिए, किसी कंपनी को दिए। आज जो लॉसेज वाले थे वो आपके बिजली बोर्ड चला रहा है। आप तो खुद अपने जो प्रॉफिटेबल एसेट्स हैं वो बाहर की कंपनियों को। बराला साहब अभी बैठे थे, बिजली विभाग की बात कर रहे थे, पहले घाटे में था, आज मुनाफे में है और हमने बिजली के दाम भी सस्ते किए। अरे भैया, बिजली विभाग मुनाफे में? आपको हैरानी होगी सुनकर, जिस अदानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसका एक रुपए का, एक पैसे का भी इंक्रीज नहीं होगा, जो अग्रीमेंट हो रखा है पावर परचेज का 1500 कुछ मेगावाट का, इस सरकार ने बैकडोर तरीके से दो बार उसके पैसे बढ़ाने का काम किया है। आज बिजली के रेट से कट करने की बात करते थे कि हमने कटौती कर दी। आप हरियाणा के किसी भी आदमी के पिछले 4 बार के बिल्स मंगाइए, एक पैसे की भी कटौती नहीं हुई। बिजली महकमे की तो ये हालत है, जितना प्रॉफिट हमारा बिजली महकमा कमाता था वो तो प्राइवेट प्लेयर्स ले जाके भाग गए। आप उसको, प्राइवेट प्लेयर्स को जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मुनाफा बोलोगे तो जो आपका रेवेन्यू लॉस है, और जितना आपने केंद्र से पावर डेवलपमेंट के नाम पर अमृत, ये कौन सी स्कीम थी पावर की, नहीं अमृत तो सिटी डेवलपमेंट की है, एक ऐसी और योजना थी इनकी जो पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, उसका नाम बदल दिया था, अटल विद्युतीकरण योजना जी, जी, जी। तो उस योजना का अगर आप उठाकर देखोगे तो उनने क्या किया कि गांव के फीडरों को स्ट्रांग कर दिया, और स्ट्रांग करके जिन गांव में 100% रिकवरी थी वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए, और जिन में रिकवरी नहीं थी वो गवर्नमेंट चला रही। आप प्राइवेट लोगों को कहिए ना रिकवरी कर दिखा। ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं, उत्सुक थे पहले से यहां से सवाल लेने के लिए, मेरे पास संदेश भी आ चुका है। सवाल कोई पूछना चाहता हो दुष्यंत चौटाला जी से? नमस्कार सर, मैं लक्ष्य शर्मा, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर मुझे तो उम्मीद है कि एक साल बाद मेरे पास रोजगार और डिग्री दोनों होगी, पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो हरियाणा में हैं, अगर आप जैसा युवा सत्ता में आता है तो युवा पीढ़ी आपसे क्या अपेक्षा रख सकती है? और सर जो हरियाणा में रोजगार है वो गुड़गांव या दिल्ली NCR तक सीमित क्यों है, बाकी जिलों में वो रोजगार क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं, आपकी मैं, अच्छा सवाल है आपका, और होपफुली जिस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हो कि डिग्री भी होगी रोजगार भी होगा, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे पास इतनी ताकत होगी प्रदेश में ही आपको रिटेन करें, आपको कहीं बाहर जाना ना पड़े या आपका भविष्य भी आगे सफल हो। पर जहां आपके दोस्तों की बात है, आज हमें समझना पड़ेगा कि गुड़गांव अपने आप में एक ऐसा टाउन है जैसे बी हाइव होता है उसमें क्वीन भी है, और क्वीन भी जहाँ बैठेगी उसके आसपास ही मक्खियाँ मंडराती है, शहद इकट्ठा करती है। गुड़गांव हमारा एक ऐसा सिटी है जो इकलौता सिटी एयरपोर्ट से कनेक्टिव है, IGI जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, इंटरनेशनली जो मार्केट है उससे हम डायरेक्टली एक्सेसिबल है, तो वो पहले डेवलप हुआ। उसके बाद मानेसर भी डेवलप हुआ, झज्जर भी डेवलप हुआ, रोहतक भी डेवलप हुआ। पहले सरकार ने प्रयास करे थे अम्बाड़ा को डेवलप करने का, हिसार को डेवलप करने का, पर उसके बाद ऐसी कोई सरकार ही नहीं आई जिसकी सोच हो कि रीजनल एरियाज़ के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी जाए। आज हाईवे कनेक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उनके बनने के बाद अगर थोड़ा सा इंसेंटिव किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम देंगे कि आप हिसार जाइए, तो हिसार से जयपुर पहुंचना 3 घंटे का सफ़र है, अमृतसर पहुंचना 5 घंटे का सफ़र है, दिल्ली आना 2.5 घंटे का सफ़र है, तो क्यों नहीं हिसार डेवलप होगा? अगर जींद का जो हाईवे पिछले 8 सालों से लंबित है वो कम्प्लीट हो जाता है तो जींद से कनेक्टिविटी पूरे स्टेट के किसी कोने की भी है। तो कनेक्टिविटी वॉज मिसिंग, कनेक्टिविटी धीरे धीरे बनी, कोई एक दिन में नहीं बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे शुरू हुआ था, उसके बाद 2 साल 2 टर्म कांग्रेस रही, BJP रही, इट इज़ अ नेशनल डेवलपिंग प्रोजेक्ट। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हमें कहीं ना कहीं आउटस्कर्ट्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, और उसके लिए इंसेंटिव लोकल प्लेयर्स को देने पड़ेंगे। टाटा बिरला अदानी अंबानी गाँव में जाकर फैक्ट्री नहीं खोलेगी, पर गाँव के बच्चे को कहीं ना कहीं अगर प्रोत्साहन देंगे कि तू छोटा प्लांट लगा, तेरे को गवर्नमेंट अलग तरह की सब्सिडी या और इंसेंटिव देगी, तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को गांव लेवल तक या सबर्बन लेवल तक ले जाने में सक्षम। बिल्कुल, एक सवाल और पूछ लेते हैं। नमस्कार सर, सर मेरा नाम अभिषेक है और मैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि पानी की किल्लत को देखते हुए हरियाणा में
हिसार के किसानों ने और जो आम नागरिकों ने जो मुद्दा उठाया है कि राजस्थान के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर दिया जाए, इसमें आप कितनी सहमति देंगे? मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम क्यों किसी और प्रदेश का हिस्सा बनने का काम करें? मगर मेरी लोकसभा रही है वो 40 गांव हैं जो आज पूरी तौर पर पानी की कमी से आज बर्बाद हो जा रहे हैं। पीने का पानी भी उनको राजस्थान की कनाल से 1500 रुपये टैंकर, 10,000 लीटर का टैंकर आता है, वो खरीद के लाना पड़ता है। और ये एक गांव की बात नहीं है, 40 ऐसे गांव हैं नलवा विधानसभा के और आपके उचाणा उसके आदमपुर विधानसभा के। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी जो प्रदेश की कमी रही कि हमने जो हमारा भाखड़ा का एग्रीमेंट था जिसमें हम पानी पंजाब से भाखड़ा का लेते थे और आगे राजस्थान को देते थे, उस समय मुझे नहीं पता कौन हेड था, इरिगेशन मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, उस समय कमी रही कि हमने अपने हिस्से का 250 क्यूसिक पानी कम लिया। किसानों ने अब आंदोलन किया था, मैंने पार्लियामेंट में भी बात उठाई थी, नितिन गडकरी जी से भी मैं मिलकर आया था, मगर अब राजस्थान सरकार ने तो कह दिया कि आप ग्रेजिंग कराइए और अपना पानी का शेयर ले लीजिए। मगर शायद पंजाब सरकार SYL की वजह से या किसी और कारण की वजह से हमारा हिस्से का जो पानी है उसको हमें देने का काम नहीं करे। अगर वो 250 क्यूसिक पानी आ जाता है, क्योंकि जो उस एरिया को पानी मिलता था थोड़ा तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे खेदड़ के हैं उनने यूटिलाइज कर लिया, थोड़ा पानी नरवाना के अंदर एक नई माइनर बनकर यूटिलाइज हो गया था, थोड़ा पानी हिसार क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है वहाँ लगभग 100 क्यूसिक पानी एडिशनल लोगों की पीने की कंजम्पशन के लिए लेना पड़ा। और ये तो हमारा संविधान कहता है कि एग्रीकल्चर से पहले आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़े जा रही है, ड्रिंकिंग वाटर की कंजम्पशन भी एक आदमी की प्रतिदिन की 70 लीटर है। आप 70 लीटर से अगर लगभग 3.25 करोड़ की आबादी को ज्वाइन करेंगे तो पता नहीं कितने क्यूसिक पानी तो आपका इसके अंदर इस्तेमाल हो जाता है। तो ये जो डिवीजन है, कहीं ना कहीं मैं एक इंजीनियर बाय प्रोफेशन तो नहीं हूँ या मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, वो बेटर बता पाएंगे, मगर अगर हम वो 250 क्यूसिक पानी अपना पंजाब से एडिशनल ले सकते हैं जो कि अगर हमारा जो कि हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो उन गांव की भी और ये जो धरोधी नरवाना के अंदर धरना चल रहा है इस गांव की भी समस्या को पूरी तौर पर हम निपटा पाए। आशा करते हैं आपके सवाल बिल्कुल कमल, एक सवाल यहां पब्लिक से और है। आपकी जगह अभिषेक, समय की कमी है तो यहीं ये सवाल रुकने पड़ेंगे, फिर मौका मिलेगा तो जरूर दुष्यंत जी आएंगे इस मंच पर, लेकिन समय है कम मेरे पास, फिर भी कहूंगा जाते जाते रणनीति क्या होगी आने वाले चुनाव में, जब आप उतर रहे हैं गांव-गांव घूम रहे हैं, 10 सेकंड में अगर बता सके तमाम मुद्दे कौन से हैं आपके? आज के दिन सबसे बड़ा बेरोजगारी, सुरक्षा, उससे बड़ी समस्या जो है वो पीने के पानी की और गाँव के अंदर ग्रामीण निकासी की, पानी जो गंदा पानी है उसकी निकासी की। एक समस्या जो मेरे को कई लोग हेट भी करेंगे बताते हैं, वो गांव में जो ये ठेके बीजेपी और कांग्रेस ने खोल दिए ना हर गांव के अंदर महिलाओं के लिए, मैं जिस गांव में भी चौपाल लगाई सारी महिलाएं कहती, एक तो बुढ़ी मोखरा में आके ताई मेरी कहने लगी कि बेटा कल सुबह पेंशन बनी थी, शाम ने तेरा ताऊ पी गया। तो ये जो समस्याएं हैं ये आम जन की समस्याएं हैं जी। और एक ये जो आवारा पशु और गुंडा राज इस प्रदेश में खट्टर साहब ने पैदा कर दिया, गुंडों से भी उतना डर है कि वो गोली मार देंगे और आवारा पशु भी जान ले लेगा। किसान खेत में पानी लगाने कम जाता है, आवारा पशुओं से अपने खेत की रखवाली करने जाता है। ये वादा मैं करता हूँ आपके मन से, जिस दिन प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी गुंडों से और खागड़ों से पूरी तौर पर मुक्ति दिलाने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला, JDP नेता, आने वाला खाका चुनाव का तैयार किस तरह से किया है इस मंच से कहते नजर आए और सबके सामने रखा है, अब जनता कितना समझ पाएगी आपको, आपकी बातों को, ये आने वाले चुनाव में मालूम होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आने वाले चुनाव के लिए। थैंक यू। सकते हैं तस्वीरों में जहां पर दुष्यंत चौटाला पूर्व सांसद को पौधा देकर सम्मान दिया जा रहा है, एक शॉल के जरिए भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2019 में आपने दुष्यंत चौटाला को सुना, बेबाकी से उन्होंने बीजेपी को लेकर